जान। अगर एक बाइट से म्यूटेशन ट्रांसफर हो सकता है तो इसका मतलब पूरा क्रू खतरे में है। तुम्हारा मतलब साइलस और टेरेकॉन्स बना सकता है? ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शिप को जल्द ही खंडहर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या अब मैं अलार्म ऑन करूं? ए सुनो, क्या तुमने यहाँ पर कुछ अजीब होता देखा? जितना सोचा था हालात उससे भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, इतने सालों तक ऑटोबॉट्स से लड़ने, मार खाने, वार सहने, जान दांव पर लगाने के बाद हमारा अंत इस तरह होगा? वो भी चूस कर फ्लूइड खत्म करने से। अगर ये सच में अंत है, अगर हम टेरेकॉन के हाथों खत्म होंगे तो मैं बता दूं कि तुम्हारे साथ मेगाट्रॉन की सेवा करना गर्व की बात थी। तुम ब्रेकडाउन जैसे नहीं हो, पर फिर भी कहना चाहूंगा तुम्हारी चमक मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है तो चलो। हाँ, अब चलना चाहिए। तुम दोनों मुझे बताना चाहोगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा मास्टर। अब ठीक है, एकदम शांति है, बिल्कुल मायूसी छाई हुई है। अच्छा, फिर मेरे अंदर का डार्क एनर्जॉन बेचैन क्यों हो रहा है? रुको रुको, मैं जवाब देता हूँ। ये नॉकआउट की गलती है। हाँ बिल्कुल, क्या कहा? इसने साइलस में डार्क और सिंथेटिक एनर्जॉन का कॉकटेल डाल दिया है, जिससे वो ऐसा म्यूटेटेड मॉन्स्टर बन गया है जो आपके पूरे क्रू को एनर्जॉन चूसने वाला टेरेकॉन बना रहा है। समझ नहीं आता कि तुम्हें पागलपन के दौरे क्यों पड़ते हैं, लेकिन आइंदा अगर तुम मेरे डार्क एनर्जॉन के आसपास भी भटके और उस ताकत को खुद में डालने की कोशिश की तो तुम्हें याद दिला दूं, डिसेप्टिकॉन के इतिहास में किसी को इतने मौके नहीं दिए गए और तुम्हारा कोटा पूरा हो गया है। एनर्जॉन। ए, क्या है, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ। यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैं उस दरिंदे को अपनी मर्जी के मुताबिक चला क्यों नहीं पा रहा? सिर्फ डार्क एनर्जॉन डाला होता तो ये सब आपके काबू में होते, लेकिन क्योंकि साथ में सिंथेटिक एनर्जॉन भी था इसलिए वो जुड़ने में बाधा डाल रहा है। सबको आगाह कर दो और उन्हें कह दो कि म्यूटेटेड ट्रूप से दूर रहें और उन्हें देखते ही खत्म कर दे। और तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये बाद में सोचूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपने बनाए दरिंदे को ढूंढो और उसे खत्म करो जल्द से जल्द। मैं समझता हूँ कि लॉर्ड मेगाट्रॉन ये सब हमें सजा देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम साइलस को कैसे रोकेंगे? वो ये काम अपने उन बीस्ट से क्यों नहीं कराते? वैसे भी वो सबसे बड़ा शिकारी जो है उसमें खतरा है। सोचो अगर प्रेडिकॉन को भी इन्फेक्शन लग गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा।